सो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उसाने मसान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हर पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट और ब्यूरोक्रेट का सबसे ज़्यादा जोर ये होता है कि उसके बच्चे HSN कॉलेज से निकलें। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, एंड दैट इज़ टू बिल्ड PR। PR कहते हैं पर्सनल या पब्लिक रिलेशनशिप को। अब इसका मंतक ये होता है कि आपने अक्सर देखा होगा जो वेल नोन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लम्स हो गया, IBA हो गया, HSN कॉलेज हो गया, इस किस्म के जितने भी इंस्टीट्यूट से बच्चे निकलते हैं वो नॉर्मली बड़ी जल्दी जो है जॉब स्कोर कर लेते हैं या उनके फ्यूचर जो है थोड़े से ब्राइट होते हैं। अगर जो है आप HSN कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आपके साथ जो क्लास में लोग होंगे वो या ब्यूरोक्रेट के बच्चे होंगे या इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे होंगे या पॉलिटिशियंस के बच्चे होंगे या किसी बड़ी आसामी के ही बच्चे होंगे। इनके साथ जब आप पलते बढ़ते हैं तो एक तो आपकी सोच उनके साथ जो है मैच करना शुरू कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी एक दिन बात करेंगे, लेकिन एट द मोमेंट लेट्स स्टिक टू PR। तो वो आपका एक ऐसा PR सर्कल बन जाता है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका कोई दोस्त जो है वो मजिस्ट्रेट लगा हुआ है, कोई जो है वो पॉलिटिशियन बना हुआ है, कोई जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट बना हुआ है, तो कल को जब ये आपके दोस्त होते हैं तो आपका इतना स्ट्रांग PR होता है कि कोई भी कंपनी आपको उठाने के लिए तैयार बैठी होगी, क्योंकि वही लोग हैं जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। एंड सिंस आपका उनके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप है तो आपका जो वो एक सक्सेस रेशो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। अब आपको शायद ये चीज़ें जो है थोड़ी सी वो लगेंगे, नहीं इसमें किस्मत होती है, ये होता है, वो होता है, बेशक होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट से जो है एक बंदा पढ़ा हुआ है तो उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होने के चांसेस कम है, नहीं मैं ऐसा ही कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आई रिमेम्बर, मैंने एक टोबैको कंपनी थी, उसमें MDO की जॉब निकली थी, तो मैंने अप्लाई किया। अब मैंने जब अप्लाई कर दिया तो उसके 5 स्टेजेस होते थे, तो उसमें पहला जो है कॉग्निटिव था, फिर उसके बाद क्वालिटेटिव था, एंड फिर डिफरेंट 4-5 स्टेप्स थे। तो 5वां स्टेप जो उसका था, दैट वाज टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो जो पहली 4 स्टेजेस थी, मेरे पास शायद अभी भी उसका ईमेल पड़ा होगा कि वो मेरी सारी क्लियर थी। तो मैं वेट कर रहा था कि मुझे एक दिन कॉल आएगी, वो कहेंगे कि वाह माशाल्लाह क्या दिमाग लेकर बच्चा पैदा हुआ है, तू कब आ रहा है हमारी कंपनी के 4 चांद लगाने के लिए, सैलरी कितना लोगे भैया डिस्कस करने। और फिर एक दिन मतलब इत्तेफाक होता है कि मैं इस्लामाबाद गया दोस्त के पास, एंड उसका एक और दोस्त था जो कि उस दिन ट्रीट दे रहा था। तो मुझे मैंने पूछा कि मतलब किस चीज़ की ट्रीट दे रहा था, तो उसने कहा कि ये एज एन MTO लगा उसी कंपनी में। तो मैंने कहा कौन से उसमें अप्लाई किया था, तो जिन दिनों में मैंने अप्लाई किया था उसने भी उस दिनों में अप्लाई किया था और उन्हीं स्टेजेस से वो गुजरा था। उसको इंटरव्यू कॉल आई थी, मुझे नहीं आई थी, क्योंकि उस कंपनी में या इस तरह की बहुत सी MNCs हैं जिन्होंने लिटरली फिल्टर्स लगाए होते हैं कि अगर आप लम्स के ग्रेजुएट हैं, आप IBA के ग्रेजुएट हैं, आप NUST के ग्रेजुएट हैं, तो सिर्फ वो CVs फ्रंट पे आती हैं और फिर उसमें स्क्रूटनी होती है। तो मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि यार मतलब ये क्या बात हुई, मतलब हर बंदे में जो है टैलेंट हो सकता है। तो उस दिन मुझे PR की इम्पोर्टेंस और मुझे जो है इंस्टीट्यूट्स की इम्पोर्टेंस का पता चला कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होने का, जब हम कहते हैं ना कि इसकी डिग्री बहुत अच्छी है, तो वो डिग्री बेसिकली इसलिए अच्छी होती है क्योंकि आपका PR जो है वो बिल्ड हो रहा होता है। अब हम लोग होते थे GI के इवेंट्स के लिए जाते थे, अब वो स्वाबी के गाँव में यूनिवर्सिटी है, लिटरली मतलब उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, उसको इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स मिलते थे कि मतलब हमारी यहाँ पे हालत ख़राब हो जाती थी। कहीं पे जो है पेप्सी जैसी कंपनी जो है हमें कहती थी कि मैं पोस्टर जो है प्रिंट कर दूंगा या जो है मैं तुम्हें एक बैनर जो है वो वहाँ पे लगा दूंगा, और उस पे भी इतना बड़ा जो है उनका लोगो लगा होता था कि बंदा कहता था कि यार 8-10 हज़ार रुपये ये मैं खुद ही लगा लूँगा टिकट से, लेकिन इस चीज़ से जो है वो जान छूट जाए। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च किया कि भाई मामला क्या है। तो मामला ये निकला कि जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं उसमें यही लम्स के, GIK के, IBA के, NUST के, इसके ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं। तो जब उनके सामने वो प्रपोज़ल जाता है तो दे आर मोर लाइकली टू फेवर दैट रादर देन किसी और इंस्टीट्यूट से या किसी और ने जो है वो दिया हो। मतलब ये एक नेचुरल सी चीज़ है, मेरे सामने अगर फॉर एग्जांपल CVs आती हैं तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बंदे को फर्स्ट चांस देता हूँ, बाकी उसकी स्किल्स के ऊपर है कि वो किस तरह उसको आगे परसू करता है, लेकिन मतलब मेरी अपनी तरफ से ये होता है कि मैं अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को थोड़ा सा फेवर करूँ। तो उस दिन मुझे इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता चला कि भाई एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने का मकसद ये होता है कि आपकी एक हेल्दी PR बनी होती है, और कल को जब आप जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, कुछ भी ऐसा आप अपने करियर ओरिएंटेड कोई काम करना चाहते हैं, तो उसमें अगर आपका एक अच्छा PR है तो आप उसमें थोड़ा सा इजी होकर जो है काम कर सकते हैं,
इलीगल कुछ नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इलीगल एक्टिविटीज़, वहाँ पे मनी भाई बोलता है, वहाँ पे और कोई भी नहीं बोल सकता है। लेकिन अगर लीगली आप देखें तो आप पीआर जो है वो आपको एक एज दे देता है। इसी वजह से जितनी भी कंपनीज़ हैं, अगर आप जॉब्स कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो खासकर अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं, रियल इस्टेट सेक्टर में जा रहे हैं, तो वो आपसे सबसे पहले आपकी फ़ैमिली के बारे में पूछते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, अगर आपकी फैमिली में डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, बाप आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर कोई इस किस्म के आपके जो है घर वाले जो है वो ब्यूरोक्रेसी में हैं, तो उनके लिए वो एक प्लस पॉइंट इसलिए हो जाता है कि कल को 10,000 किस्म के काम जो है वो एडिशनल टू योर जॉब वो आपसे निकलवा सकते हैं। दूसरा उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि जो आपका पीआर है फिर उसको वो यूज़ करेंगे अपने पीआर के लिए, एंड लेटर ऑन जो है आपका पीआर और उसका पीआर जो है वो एक ही हो जाएगा। तो दे वुड रादर इन्वेस्ट इन अ पर्सन जिसके पास अच्छा पीआर है, जिसका अच्छा सोशल सर्कल है, जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो उनके पोटेंशियल क्लाइंट्स को ईजीली टारगेट कर सकता है, रादर देन एक ऐसा बंदा जिसका कोई जो है उस इंडस्ट्री के साथ लेना देना नहीं है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आपको जो है अपना पीआर जो है वो बड़ा स्ट्रांग रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि पीआर बेसिकली आप बिल्ड कैसे करते हैं। सो इट्स बेसिकली कि आपकी नेचर पे बहुत डिपेंड करता है, आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, आप किन सोशल सर्कल्स में बैठते हैं, आप किन सिटीज़ में रह रहे हैं। अब एक गाँव में रहने वाले बंदे का और सिटी में रहने वाले बंदे का, इन दोनों के बड़े अलग किस्म के पीआर सेट्स होंगे, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि जो मेजर सिटी के लोग होते हैं वो ज़्यादा जल्दी जो है सक्सीड कर जाते हैं, रादर देन अगर स्मॉलर टाउन से लोग हैं तो उनको मसला ये होता है कि वो किसी को जानते नहीं है, ऐसे लोगों को नहीं जानते हैं जो कि उनको आगे पुश कर सकते हैं या उनको एक पुश स्टार्ट दे सकते हैं या एक हेड्स अप दे सकते हैं। अब अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आपका ज़्यादातर जो है लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं होता है, तो ऑब्वियसली वो आपका उस तरीके से जो है पीआर सर्कल नहीं बन सकता है। तो अगर आप अभी भी डिसाइड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म का सोशल बंदा हूँ, मैं हर बंदे के साथ खड़े होकर, लिटरली मुझे बंदे का नाम नहीं पता होगा, मैं फिर भी उसके साथ जो है आधा घंटा जो है गपशप लगा के निकल जाऊँगा, उस बंदे को ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मतलब मैं उसका नाम भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मतलब आई नो हाउ टू हैव अ कन्वर्सेशन, जो कि मैंने पिछली अपनी स्टोरी टेलिंग वाली वीडियो में भी बताई थी। सो अब करना ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इंट्रोवर्ट हैं या आप जो है ऑलरेडी एक्सट्रोवर्ट हैं लेकिन आप उस तरीके से अपना पीआर सर्कल नहीं बिल्ड कर सके हैं, तो इसमें बेहतरीन तरीका ये है कि आप लिंक्डइन ज्वाइन करें, वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, आप उधर जो है अपने बारे में चीज़ें जो है वो पोस्ट करना शुरू करें, आप मतलब मेन चीज़ ये है कि आप लिंक्डइन के ऊपर इंटरेक्शन शुरू कर दें। अगर आप फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में करना चाहते हैं तो द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप कॉर्पोरेट इवेंट्स के ऊपर जाना शुरू कर दें, जो ये लॉन्च इवेंट्स होते हैं जहां पर डिफरेंट किस्म के लोग आते हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट करें, एक तो आपकी वो सोशल एंग्जाइटी ख़त्म होगी, साथ में जो है आपका अगर तीन लोग भी आपको एक इवेंट में जान लेते हैं तो ये तीन बंदे जो है वो आपका एक एसेट है, एंड इस तरीके से जो है आप थोड़ा थोड़ा जो है बिल्डअप कर सकते हैं अपने पीआर को। एंड ये बड़ा आजमूदा तरीका है, लिटरली मैं जितने भी मतलब मेरा अगर सोशल सर्कल बना है वो इन्हीं इवेंट्स पे इन्हीं तरीकों से जो है वो वहाँ पे बना है। सो आई बिलीव के अगर आप अभी भी अपनी इस चीज़ को सुधारना चाहते हैं या इस चीज़ को बिल्डअप करना चाहते हैं तो देयर आर मिलियंस ऑफ वेज। स्टार्ट विद गोइंग टू इवेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन लिंक्डइन और वहाँ पे, अब अगेन आपके सोशल सर्कल पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके अलग किस्म का पीआर बने, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि क्रिएटिव लोगों में आपका पीआर बने, तो उसके लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन चीज़ों के ऊपर आप इंटरेक्शंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपका बने तो आप जो है लिंक्डइन के ऊपर कर सकते हैं। इसी तरह इवेंट्स की जो मैंने बात की, तो इवेंट्स में भी यू कैन चूज़ यू वॉन्ट टू गो फॉर लाइक लॉन्च पार्टीज़ या इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं उनमें आप का इंटरेक्शन जो है वो स्टार्ट हो, या जो है आप चाहते हैं कि कॉर्पोरेट में हो तो जहाँ पर ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं या जो है किसी की कॉर्पोरेट पार्टी है या इस किस्म की चीज़ें जो है वो आपको मिल सकती हैं। तो अगर इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं तो यू कैन एक्चुअली गो मीट पीपल, इवन शादियों पे यार, मतलब बहुत सी चीज़ें निकल आती हैं यार शादियों से। आप वहाँ पे बैठते हो, कोई किसी के चाचे के बेटे के मामे का यार होगा, वो आपके काम का बंदा होगा, उसके साथ आपकी हाई हेलो हो जाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सोशल इंटरेक्शन रखें, दैट कैन हेल्प यू आउट विद इट। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ज़िंदगी में। इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीआर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाखों लोगों को जो है लेकर बैठ जाएं जो कि बेकार हो। अगर आपके इवन सर्कल में 10-15 लोग भी काम के हैं, आपके अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, तो आई बिलीव के यू विल बी मोर सक्सेसफुल देन अ पर्सन जो कि उन लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा।
So that's it from myself for today. I hope you liked this video. If you liked it, you just need to like it. Do let me know about this Monday motivation segment जो कि मैंने start किया है. If it's helpful, अगर इससे आपको जो है मदद मिल रही है तो do let me know in the comment section ताकि मैं इसको जो है और बेहतर कर सकूँ. अगर इस किस्म के और topics आपके दिमाग में आते हैं, you can always DM me on my Instagram और जो है आप comments में भी बता सकते हैं, तो मैं यहाँ पर भी सारे comments पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा को जो है मैं reach out कर सकूँ. और अगर किसी दिन जो है comments बहुत ज़्यादा हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा हो गए जो हम ना पढ़ सके, तो उस दिन फिर हम लोग करेंगे Q&A session जिसके अंदर जो है हम वीकली जो है ये सारे questions जो है वो list down करेंगे and then we are gonna start talking about it. So thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.